अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बन रहा है एक्स्ट्रा क्रिस्पी फ्राइड चिकन, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 kg चिकन। इसके मैंने बड़े पीसेस लिए हैं और इसे बीच से कट कर लिया है। मैंने इसे 2 से 3 बार वॉश कर लिया है। यहाँ पर मैंने खाली बोल ले लिया है, इसमें हम 1 लीटर वाटर ऐड करेंगे। इसी में मैं 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें हम चिकन के पीसेस डाल के 1 आवर के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसमें जो भी खून है वो निकल जाए। नहीं तो हम जब फ्राई करते हैं, जब इसमें से खून निकलता है लेग पीसेस में से, एक एक करके हम चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे इसमें और 1 आवर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसमें जो भी ब्लड है वो रिलीज हो जाए वाटर में। अब मैं इसे 1 आवर के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पर हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक यहाँ पर भगोना लिया है, इसमें मैं 500 ग्राम बटर मिल्क ऐड करूँगी। 2 टीस्पून सॉल्ट, सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड करें आप इसमें। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स। सभी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें हम चिकन के पीसेस ऐड करके इसे 4 आवर्स के लिए या ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे। 1 आवर हो चुका है हमारे चिकन के पीसेस को सॉल्ट के पानी में डिप किए हुए। अब मैं इसमें स्ट्रेन करके इसमें से एक एक पीसेस निकाल कर ये मैरिनेशन में ऐड कर दूंगी। हम इसमें इसे नमक के पानी से निकाल कर इसे एक बार अच्छे से वॉश कर लेंगे चिकन के पीसेस को, और अच्छे से इसका पानी निकाल के स्ट्रेन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सभी चिकन के पीसेस को बैटर में ऐड कर दिया है। अब मैं इसे 4 आवर्स के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। आप चाहें तो ये मैरिनेट करके इसे ओवरनाइट फ्रिज में रख सकते हैं। यहाँ पर हम 2 कप मैदा लेंगे। यहाँ पर हम क्रिस्पी फ्राइड चिकन की कोटिंग रेडी कर लेंगे। टू कप मैदा एक बॉल में ऐड करेंगे। 1 कप कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर पाउडर है ये। 1 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून से भी कम अदरक पाउडर, 1/2 टीस्पून अनियन पाउडर, 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करके एक साइड में रख देंगे। ये हम कोटिंग रेडी कर रहे हैं KFC की। अब हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके एक साइड में रख देंगे। चिकन की डिप रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, इसमें 3 टेबलस्पून मायोनीज ऐड करूँगी मैं। टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली सॉस। इन तीनों चीज़ों को हम ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक साइड में रख देंगे। यहाँ पर हमारी डिप रेडी है, मैं इसे बॉल में निकाल लूँगी। यहाँ पर हमारी डिप रेडी है। 4 आवर्स हो चुके हैं हमारे चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब मैं इसमें से एक एक पीसेस निकाल लूँगी और एक बोल में रख के जाऊँगी। हम चिकन के पीसेस को बटर मिल्क से अलग कर देंगे और एक बोल में डाल देंगे। यहाँ पर मैंने सभी पीसेस को बटर मिल्क में से निकाल लिया है। अब मैं इसमें 2 अंडे ऐड करूँगी जो बटर मिल्क है, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे बटर मिल्क में। हमारी ड्राई कोटिंग भी रेडी है, मैं इसे 1/2 कर लूँगी कि गीली ना हो जाए। यहाँ पर से हम एक चिकन के एक एक पीस लेंगे, इस
इसे अच्छे से पहले डिप कर लेंगे लिक्विड बैटर में, उसके बाद हम इसे मैदे में डिप करेंगे। अच्छे से हम हाथ से अच्छा मैदा लगाएंगे इसे कि क्रिस्पी बने। अच्छे से रस्ट कर लेंगे, फिर इसे हम डिप करेंगे। यहाँ पर मैंने सभी पीसेस को चिकन के अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा है। यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है हाई फ्लेम पे, हमें इसकी फ्लेम को हाई ही रखना है। एक एक करके हम इसमें पीसेस ऐड करेंगे। मैं इसे टर्न करूंगी। यहाँ पर हमारे क्रिस्पी फ्राइड चिकन अच्छे से हाई फ्लेम पे फ्राई हो रहे हैं। अब मैं इसकी फ्लेम को मीडियम कर दूंगी ताकि वह अंदर तक कुक हो जाए। यहाँ पर हमारे क्रिस्पी फ्राइड चिकन अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। मैंने इसकी फ्लेम को मीडियम रखा है ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। यहाँ पर हमारे क्रिस्पी फ्राइड चिकन रेडी है, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये। मैं एक प्लेट में निकाल दूँगी। यहाँ पर मैं दूसरा बैच फ्राई कर रही हूँ क्रिस्पी फ्राइड चिकन का। मैंने इसे हाई फ्लेम पे पहले फ्राई कर लिया, मैं इसकी फ्लेम को मीडियम कर दूँगी। यहाँ पर हमारे क्रिस्पी फ्राइड चिकन रेडी है, ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप इसे घर पर बनाइए, ट्राई करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।